हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय शनि देव। आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ। वैसे तो मकर राशि और कुंभ राशि का स्वामी ग्रह शनि होता है, परंतु जीवन में अनेक ऐसे अवसर आते हैं जब शनि देव का प्रकोप हर राशि के जातकों को झेलना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शनि देव किसी पर शनि की ढैया, किसी पर शनि के साढ़े साथी तथा किसी पर शनि की महादशा के रूप में अपना प्रभाव दिखाते हैं। ज्योतिष के अनुसार शनि की साढ़े साथी का प्रभाव व्यक्ति की मानसिक क्षमता खत्म हो जाती है। वह गलत निर्णय लेने लगता है। वह अपने मस्तिष्क के कारण, अपनी सोच के कारण अपनी आत्महत्या तक करने पर उतारू हो जाता है। यदि नौकरी करता है तो नौकरी चली जाती है। यदि व्यापारी है तो व्यापार धीरे धीरे खत्म होने लगता है। घर में सदैव कलेश का वातावरण बना रहता है। इंसान घर से बेघर हो जाता है तथा कमाने के लिए परदेश में मारा मारा फिरता है। शास्त्रों के अनुसार माता पार्वती ने शिव से कहा कि कलयुग में पाप बहुत बढ़ जाएगा, आप तो बहुत भोले हैं, पापियों को दंड कौन देगा। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने शनि देव को बुलाया तथा उन्होंने शनि देव को कलयुग का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। तभी से भगवान शनि देव को कलयुग का न्यायाधीश कहते हैं। यदि आप गलत रास्ते पर चलते हैं, बुरे काम करते हैं, तो भगवान शनि देव आपको उसका फल अवश्य देंगे। यदि आप अच्छे रास्तों पर चलते हैं, लोगों की भलाई करते हैं, अच्छा सोचते हैं, सबका सम्मान करते हैं, तो आपको किसी देवता की पूजा करें या ना करें, भगवान शनि देव आप पर हमेशा प्रसन्न रहेंगे। चाहे आप पर शनि की साढ़े साथी हो या शनि की महादशा हो या राहु केतु या मंगल की महादशा हो, ब्राह्मण का कोई भी ग्रह आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। नेक और अच्छे इंसान को देवता भी प्रणाम करते हैं। मकर और कुंभ राशि का स्वामी ग्रह शनि है, अतः शनि देव की हमेशा छाया इन लोगों पर रहती है। अगर ऐसे लोग बुरे रास्तों पर चलते हैं तो शनि देव ऐसे लोगों पर अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। वैसे तो जो आक्रामक किस्म के देवता हैं, जैसे शनि देव, भैरव देव या माता काली, इनकी पूजा सदैव रात में ही करनी चाहिए। इनकी पूजा कभी घर में नहीं करनी चाहिए। शनि देव के मंदिर जाकर शनि देव के ठीक सामने खड़े होकर पूजा नहीं करनी चाहिए। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कुछ अति महत्वपूर्ण उपाय जो हर राशि के व्यक्ति के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आप पर शनि देव का किसी भी तरह का प्रभाव है तो यह उपाय आपके लिए वरदान साबित होंगे। बहते हुए जल में 40 दिन तक चावल प्रवाहित करें। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। शनिवार के दिन मनी प्लांट में दूध डालें। काले रंग की कपिला गाय को एक वर्ष से छोटी हो उसे हरा चारा खिलाएं। भूखे और अपाहिजों को भोजन कराएं। विधवा स्त्रियों की सहायता करें। किसी खेत में लोहे का छल्ला, काले तिल, कोयला, नीले फूल काले कपड़े में बांधकर दो पुष्प जमीन के अंदर गाड़ें। शनि देव का व्रत रखें तथा ओम शनि देवाय नमः मंत्र का जाप करें। यदि आपने गुरु दीक्षा ली है तो गुरु के मंत्र का जाप अवश्य करें। शनिवार के दिन यथासंभव दान पुण्य करें। संत महात्माओं, माता पिता का आशीर्वाद अवश्य लें। भगवान सूर्य शनि देव के पिता हैं, अतः सूर्य को जल चढ़ाना अत्यंत ही लाभदायक होगा। इससे भगवान शनि देव प्रसन्न हो जाते हैं तथा आपको मनचाहा वरदान देते हैं। फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण उपायों में से यदि आपने कुछ उपाय भी कर लिए तो आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा और आप शनि देव के प्रकोप से बचे रहेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें तथा सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आगे आने वाले वीडियो को सबसे पहले देख सकें। जय माता दी, जय शनि देव।